चमोली आगामी नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत पुलिस मैदान गोपेश्वर में जिलाधिकारी व निर्वाचन जिला अधिकारी सावस्ती एस भदौरिया के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीप माला में 2000 दीपकों को जलाकर मतदान का संदेश चमोली लेटेस्ट वोट को उकेरा गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को मतदान में शामिल होने का संदेश इस दौरान दिया। बच्चों से मिलने में 10 मिनट है, बच्चे क्लास से ये कार्यक्रम नगर आयोजित कर रहे हैं। चमोली लेट्स गो, चमोली लेट्स गो, चमोली लेट्स गो। बीती है तो इसलिए अभी दीपोत्सव के द्वारा ये एक सभी जनपद वासियों को, सभी स्टेट वासियों को ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग 18 नवंबर को वोट अवश्य करें, क्योंकि वोट हमारी ताकत होती है। आप लोगों को भी पता होगा, आप भी अपने सिविक्स में पढ़ते होंगे, तो इसलिए ये एक दीपोत्सव हम बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सभी को इन्वाइट करेंगे कि सब लोग अपने हाथ से दिए जलाकर ये चमोली लेट्स वोट जो एक बनाया गया है दियों से, उसमें अपना योगदान दे और सभी को ये मैसेज दे, और अपने घर में, अपने अगल बगल, अपने नेबरहुड में, अपने टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ये मैसेज भी दे कि सब लोग, क्योंकि बहुत ही पास है, कुछ इतनी दूर मतदान केंद्र होते नहीं है, सब कुछ आसपास ही होते हैं, तो इसलिए अपना अपने व्यस्ततम समय में से सभी लोग 10 मिनट का समय निकालकर वोट अवश्य करने जाएं। इसके साथ ही बस थैंक यू सो मच। कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम 2008 से प्रारंभ किया गया था। इस जनपद में हमारी बहुत ही गतिशील और कर्मठ जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये विचार उनका था कि हम इस कार्यक्रम को एक दिन करें बल्कि कई दिनों में अलग अलग रूपों में आयोजित कर सकें। तो आने वाले दिनों में भी, चूंकि अभी नगर निकाय के चुनाव हैं और आगे लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये प्रक्रिया जो आज से शुरू हुई है ये सतत रूप से आगे जारी रखेंगे। और बच्चों को इसमें इन्वॉल्वमेंट का यही होता है कि बच्चे हमारे सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं प्रेरक की। तो हमारे नोडल अधिकारी, हमारी टीम, ये सारे के सारे लोग और जनपद के अधिकारी, मैं कहता हूँ शिक्षक, बच्चे, शिक्षक बंधु हैं, इन सबका एक सामूहिक प्रयास था कि ये दीपोत्सव के माध्यम से हम ये संदेश दें कि आगामी जो नगर निकाय के चुनाव में उसमें अधिक से अधिक मतदान हो। और साथ में जैसे मैंने कहा कि ये जिलाधिकारी महोदय की एक अभिनव पहल थी कि इस कार्यक्रम को हम आगामी लोकसभा के चुनाव तक सतत रूप से संचालित करें, उसी की श्रृंखला में आज के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया।